ताकि वो सम पर गाना उठ जाए। ध्यान देना कैसे कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, 1 2 3 4 5 करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, 1 2 3 4 5 6 7 सो मध्य सप्तक से तार सप्तक की तरफ जा रही है, तो हमें मध्य सप्तक से दिखाना है क्योंकि हमें गाने को उठाना है। लेकिन जब गाना फिर से वापस आए तार सप्तक से, पा से, सा से, कहीं से भी जो वापस सा पर आए, तो हमें फिलर को भी यही दिखाना है कि हमारा गाना सा पे आके रुक रहा है। यही टेक्निक पहली टेक्निक है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ कंचन मणिरत्न, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जब सिंगर गा रहा होता है तो गाने के बीच की जो लाइनिंग्स होती है उसमें छोटी छोटी जो म्यूजिक होती है जिसको बोलते हैं फिलर, यानी कि गाने के बीच में जो फिलर दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, क्या प्ले करना होता है। फ्रेंड्स, जितने भी बिगनर्स हैं कीबोर्ड में और वो प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास शुरू की है जिसका नाम है मास्टर सीरीज। मास्टर सीरीज 1, सीरीज 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप बिगनर हैं और प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट बनना चाहते हैं तो। और आज का जो हमारा वीडियो है वो मास्टर सीरीज 3 है। इसमें जैसा कि मैंने बताया, सिंगर के साथ जब गाना प्ले कर रहे होते हैं तो सिंगर जब गाना गा रहा होता है तो गाना जो होता है वो एक लाइन में तो होता नहीं है, गाने में बहुत सारी लाइनिंग्स आती हैं। तो जब सिंगर लाइनिंग्स अपनी गा रहा होता है तो जब एक लाइन से दूसरे लाइन पर जाता है सिंगर, तो उन दोनों के बीच में जो म्यूजिक पीस आती है बहुत छोटी सी, इसको बोलते हैं शॉर्ट म्यूजिक या हम फिलर भी बोल सकते हैं। तो वो फिलर हम कैसे भरते हैं, क्या टेक्निक यूज करें, क्या याद रखें, कौन सा स्टेप फॉलो करें, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो जितने भी बिगनर हैं जो कीबोर्ड में प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट बनना चाहते हैं, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करेंगे तो सच बताऊं आपका स्टेप क्लियर नहीं होगा, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि जब सिंगर गा रहा होता है तो गानों की जो लाइनिंग्स होती है उसके बीच में शॉर्ट म्यूजिक यानी कि फिलर कैसे प्ले करते हैं, तो आइए देखिए। So friends, अगर आपको कभी भी सिंगर के साथ प्ले करने का मौका मिले एज अ प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट और आप हैं बिगनर अभी, तो आपको वहां पे कौन से स्टेप को फॉलो करना है, कौन सी टेक्निक लगाना है, ये सारी बातें मैं बताने चल रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखिए, एक एग्जांपल लेकर के मैं बताती हूँ। एक गाना है कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, ये एक प्रेयर है, बहुत ही खूबसूरत प्रेयर है। तो जैसा कि मैंने मास्टर सीरीज 2 में भी बताया था इसी गाने को लेकर के, और इसी गाने को एज एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने देखा है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा और आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि मान लेते हैं कि सिंगर वहाँ पर गाना गा रहा है, तो क्या करना है पहले मैं करके बता दे रही हूँ, फिर टेक्निक क्या यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं बताऊँगी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, पहली बात कि जब सिंगर गा रहा है तो हम पूरे गाने को नहीं प्ले कर रहे हैं कि सुबह सवेरे लेकर तेरा, ये नहीं प्ले कर रहे हैं। अपने मास्टर सीरीज 2 में मैंने ये बात बताई है कि जब सिंगर गा रहा होता है तो आपको प्ले नहीं करना होता है पूरे गाने को, एक एक नोड को दिखाना होता है। मास्टर सीरीज 2 अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जब सिंगर गा रहा होता है दो लाइनिंग के बीच में जो फिलर आता है, जो शॉर्ट म्यूजिक आता है, उसमें क्या करना है। करना ये है कि जैसे गाया सिंगर ने कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, ये जो हमने किया इसी को बोलते हैं फिलर, शॉर्ट म्यूजिक। तो इससे क्या होता है ना, गाने में जान आ जाती है, चार चांद लग जाते हैं। जब सिंगर गाए कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, तो जो ये हमने किया इसका टेक्निक समझिए। टेक्निक ये है कि जब
कभी भी गाने की स्टार्टिंग हो रही है तो आप गाना क्या है, नॉर्मल बेस पे चल रहा है। देखिए जो फर्स्ट लाइन होती है वो मध्य सप्तक में बजती है, कोई भी स्टार्टिंग यानी स्टैंजा जो होता है वो मध्य सप्तक में बजता है, उसके बाद दूसरी लाइन जो होती है वो मध्य सप्तक से सा से लेकर के रे गा मा पा यानी कि तार सप्तक की तरफ जाता है। तो हमें करना क्या, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी वाली बात बता रही हूँ कि जब सिंगर मध्य सप्तक के सा के इर्द गिर्द गाए तो आपको दूसरी लाइन के लिए फिलर देना है मध्य सप्तक से लेकर के मध्य सप्तक के पा के बीच में फिलर देना है, क्योंकि जो दूसरी लाइन आएगी वो पा के ऊपर ही होगी। तार सप्तक के सा तक भी जा सकता है, पा से वापस मध्य सप्तक के सात पर भी आ सकता है, तो ये गाने पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो स्टेप हो रहा है फॉलो, कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु तरारारा, ये फिलर गया यानी मंद्र से हम लेके गए मध्य सप्तक के गापे, क्योंकि गाना हमारा गापे जा रहा है कोमल गापे, तो यही बात आपको ध्यान देना है। अब करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, अब क्या हुआ मध्य सप्तक से तार सप्तक की तरफ जा रही है तो हमें मध्य सप्तक से दिखाना है क्योंकि हमें गाने को उठाना है, लेकिन जब गाना फिर से वापस आए तार सप्तक से पा से सा से कहीं से भी जो वापस सा पर आए तो हमें फिलर को भी यही दिखाना है कि हमारा गाना सा पे आके रुक रहा है। यही टेक्निक पहली टेक्निक है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब देखिए स्टेप वन तो हो गया, हमने बता दिया, लेकिन बजाना क्या है उसको ध्यान दीजिए। इसमें बजाना ये है कि पांच स्वरों का कुछ ऐसा समूह बनाना है छोटे फिलर के लिए, जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, 5 इसलिए है। अब करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ऑड नंबर का हमें एक ऐसा म्यूजिक का छोटा सा सेट बनाना है ताकि वो सम पर गाना उठ जाए। ध्यान देना कैसे, कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु 1 2 3 4 5 करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु 1 2 3 4 5 6 7 सुबह, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑड नंबर का एक म्यूजिक सेट बनाएंगे तो गाना हमेशा इवन नंबर यानी कि सम से उठेगा, तभी जाकर के म्यूजिक ऑन बीट चलती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप शॉर्ट म्यूजिक बनाए उसमें आपको ऑड नंबर ही बनाना है, जैसे विषम संख्याएं लेनी है, छोटा सा म्यूजिक बनाने के लिए ऑड नंबर लेना जरूरी है क्योंकि जो लाइनिंग होगी वो सम से प्ले होगी यानी ऑन बीट से प्ले होगी। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, एकदम परफेक्ट आएगा जो हमने बताया है। फिर से देखिए, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु 1 2 3 4 5 करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु 1 2 3 4 5 6 7 सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु 1 2 3 4 5। अब देखिए हमने ये बताया तो 1 2 3 4 5, लेकिन हम बजा क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम सा से गा पे जा रहे हैं तो हम जो सेट ले रहे हैं मंद्र सप्तक का कोमल धा कोमल नी सा रे गा ये ले रहे हैं, यानी मंद्र सप्तक का धा नी सा रे गा ले रहे हैं। क्यों कोमल धा और कोमल नी लग रहा है, क्योंकि ये गाना माइनर स्केल का है, इसलिए ये कोमल धा कोमल नी कोमल गा लगेगा। और माइनर का यही फॉर्मूला होता है कि जब भी आप कभी भी शुद्ध स्वरों में कोमल गा कोमल धा कोमल नी कर देते हैं तो वो मेजर माइनर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे कर रहे हैं ना करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या करें, पा धा पा मा गा रे सा, यानी कि ऐसा कुछ स्वरों का सेट बनाना है जो गाने को पूरा करे यानी कि कंप्लीट करे, वो बहुत सुंदर लगे, खराब ना लगे। अब देखो
टेक्निक यही बताया कि अगर गाना तार सप्तक के लिए जा रहा है, सप्तक के सा से पा या सा की तरफ जा रहा है, तो हमें स्वरों को भी उधर ही लेके जाना है। जब पा से या सा से या नी से गाना अपना सा पे आ रहा है, तो फिर से हमें कुछ स्वरों का सेट बनाते हुए हमें ये दिखाना है हमारा गाना मध्य सप्तक के सा पे जा रहा है, तो हमें उस नोट पर रन करते हुए आना है। और याद रखना, स्टेप वन वही बताया था कि ऑड नंबर लेना है, क्योंकि लाइन जो होगी सम से उठेगी, और मध्य सप्तक से तार सप्तक की तरफ जा रहा है तो मध्य सप्तक से फिलर लेंगे, और तार सप्तक से मध्य सप्तक की तरफ आ रहा है तो तार सप्तक के स्वरों को लेकर के फिलर बनाएंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने स्थाई में बताया, सेम पैटर्न अंतरे में भी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लाइनिंग्स के बीच जो शॉर्ट म्यूजिक का फिलर आ रहा है उसको हम बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम अंतरा प्ले करते हैं तो अंतरे में भी सेम टेक्निक यूज होगा। जैसे शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हैं, 1 2 3 4 विद्या का वरदान तुम्हें से अब यहाँ पर मैंने बजा कर दिखाया, लेकिन अब जैसे सिंगर गा रहा है तो आपको क्या करना है, पकड़े रहना है कॉर्ड्स को कि शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। देखिए क्या किया हमने कि हम जब यहाँ पे गाना गा रहे हैं शुद्ध भाव से, तो हम पा पे जा रहे हैं, कहाँ नी पे जा रहे हैं, तो हम नीचे से ले जाएंगे 1 2 3 4 5। अब जब हम फिर से वापस पा पे आएंगे यहाँ से, तो फिर फिलर को फिर से पा पे दिखाएंगे, यानी कि जहाँ पर हमारा नोड आके गिरेगा तो वहाँ से हमें ले जा कर के नोड वहाँ पर सिंगर को दिखाना है कि आगे वाली जो लाइनिंग है ना यहाँ से शुरू होगी। यही है अपना स्टेप टू जो आपको फॉलो करना है, कि फिर से देखिए क्या कर रहे हैं हम। और याद रखिएगा स्टेप वन जो हमने बताया था कि ऑड नंबर को रखिएगा, जैसे फिलर बड़ी हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 रखेंगे, छोटी फिलर रखनी है तो 1 2 3 4 5 रखना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। तो शुरू करेंगे कैसे कि शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। अब हमने क्या प्ले किया, यहाँ आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं, वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी म्यूजिक पीस बनाते हैं। बस शर्त इतनी है कि ऑड नंबर होना चाहिए, चाहे आप 7 रखो चाहे 5 रखो, बस ऑड नंबर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट म्यूजिक में 5 और 7 को लेकर चलेंगे तो बहुत ही क्लियर आपको सटीक मिलेगा फिलर। अगर आप कुछ ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो वो काम की फिलर नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट म्यूजिक के लिए 2 नंबर लेंगे, 1 5 नंबर और 1 7 नंबर। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम पूरा प्ले करके बताते हैं। तो शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, 1 2 3 4 5 विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम, 1 2 3 4 5 6 7 शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, 1 2 3 4 5 विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम, 1 2 3 4 5 6 7 दीजिए। जब हमारी लास्ट लाइनिंग आने वाली है सा पे, जो अंतरा का 2 लाइन यहाँ पे था, लेकिन लास्ट वाली लाइन हमें सा पे आना है, तो हमें क्या दिखाना था सिंगर को, ये दिखाना था कि वहाँ से आपको आ रहा है सा पे। तो जो सिंगर होता है ना उसको बहुत आराम मिल जाता है, आगे आगे आप म्यूजिक देते हो तो सिंगर को पता चलता है कि हमारी लाइनिंग चेंज हो रही है, उसको प्रॉपर ढंग से म्यूजिक मिलती है, कॉर्ड्स मिलती हैं, और बहुत अच्छी तरीके से वो पूरा निभा पाता है, और आप एक बेस्ट कीबोर्डिस्ट माने जाते हो कि यस आप बहुत अच्छे से सिंगर को संभाल के लेके चल रहे हो। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से पूरा का पूरा हम बता रहे हैं कैसे। Oh,
तरह से करना है। और ये तो मैंने एक गाने में बताया, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो आप खुद से फिलर दे सकते हो या एकदम ओरिजिनल फिलर दे सकते हो। ओरिजिनल फिलर देने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको ओरिजिनल पीस तैयार करना पड़ेगा। ओरिजिनल पीस अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो समझ लीजिए कि आप तो एकदम छा जाओगे जहाँ भी जाओगे। तो कोशिश करिए कि अगर ओरिजिनल पीस प्ले कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि एक गाना मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा लगता है, जैसे कि ये गाना है कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अब इसमें जो फिलर है भैया, जग जा ही रहे, इतना फेमस फिलर है कि बिना फिलर आए गाना निकलता ही नहीं, लगता कि वो फिलर आए तब। वो फिलर आप मुंह से गा लेते हो क्योंकि उतना स्पेस छोड़ना होता है। तो बहुत खूबसूरत है, देखिएगा फिलर जो ओरिजिनल फिलर है क्या है गाने। ये आया ना, ये ओरिजिनल फिलर है गाने से पहले। अब गाना है क्या, बहुत प्यार करते हैं तुमको, ये फिलर है ना, तो ये बहुत प्यारा फिलर है। फिर से देखिए, दूसरी फिलर आई, तो ये सारे ऐसे फिलर हैं जो भाई जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सारे फिलर, ये सारे गाने ऐसे ही रहेंगे। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसका ओरिजिनल जो पीस होता है उसको आप तैयार करते हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल फिलर, ओरिजिनल रिदम, जब आप एकदम प्रॉपर ढंग से तैयार कर लेते हो तो वो गाने में चार चांद लग जाता है। अगर इतना नहीं भी तैयार है तो आपको जो मैंने स्टेप बताया, जो काउंटर बताया है, वो आप किसी भी गाने में यूज़ कर सकते हैं। बस टेक्निक वही होनी चाहिए कि जब लाइनिंग के बीच में आप बजा रहे हो तो ऑड नंबर लेके बजाओगे तो वो गाना जो लाइनिंग होगी ना वो सम से उठती है तो सिंगर बहुत अच्छी तरीके से उठा पाएगा। अगर आप पूरा का पूरा म्यूजिक फिलर दे दोगे तो कट जाएगा, रिदम कट जाएगा। इसलिए हमेशा ऑड नंबर को ही देना होता है फिलर में। और ऐसे तमाम गाने हैं जिसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी फिलर आती है। उस फिलर को अगर सुनते हुए तैयार कर लो तो बात ही एक अलग हो जाएगी। अगर आप ओरिजिनल फिलर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आप ही राज करोगे पूरे प्रोग्राम में। जहाँ भी जाओगे लोग आपको ही पूछेंगे, यार बंदा क्या बजाता है, क्या ओरिजिनल पीस प्ले करता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कम से कम 100-200 गानों का एक बैंक बना लीजिए। अगर आप 100-200 गाने अच्छी तरीके से प्ले करना सीख जाएंगे एकदम हूबहू, तो आप कहीं भी कोई भी लाइव शो कर सकते हैं। क्योंकि वही कुछ फेमस गाने जो होते हैं लाइव प्रोग्राम में गाया जाता है, इसको लोग हमेशा गाते हैं, तो आप उन्हीं गानों को तैयार कर लीजिए तो आप एक बेहतर कीबोर्डिस्ट बन जाएंगे। और मान लेते हैं कोई गाना नहीं आ रहा है, नहीं तैयार है, तो आप इस तरीके का काउंटर लगा करके प्ले कर दीजिएगा। और ये भी टेक्निक आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए, दोनों में अगर आपका हाथ अच्छा सेट है तो आप एक बेस्ट कीबोर्डिस्ट बन जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। जितना भी आपको हम लेसन दे रहे हैं सभी लेसन को फॉलो करिए। अगर एक एक लेसन को आप फॉलो करेंगे ना तो जितने भी बिगनर हो आप, एक दिन आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां होती है जिसको आपको समझना होता है। अब बहुत जो प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट है ना, वो इतनी बातें आपको बैठकर समझाएंगे नहीं। जाओगे पूछोगे ना कि भैया बता दो कैसे आप बजाते हो ना, बोलेंगे हमें यार चलो प्रैक्टिस करो आ जाएगा, बस ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक एक बात में बाल की खाल निकाल के बता रही हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा और अच्छी तरीके से फॉलो किया तो वो सारी बातें आपको भी आ जाएंगी। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी में शूट करना, एडिट करना, आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करना, ये बहुत मेहनत का काम होता है फ्रेंड्स। तो मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए। ये नॉलेज अगर आप तक पहुँचा है तो दूसरों तक भी पहुँचाइए। आपका भला इस चैनल के माध्यम से हो रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप दूसरों का भी भला कर दीजिए। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।